तो कैसे हो लॉकडाउन में? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बुद्धकालीन वक्त का है और अपमाद वर्ग से है, धम्मपद त्रिपिटक से है। बुद्ध जब भी जेतवन में रहा करते थे तब वहाँ पे एक भिक्खु थे जिन्होंने एक छोटे से गांव में रहते थे सावत्ती के यहाँ, और उन्होंने ये सोचा कि मैं छोटे से गांव में रहूँगा और मेरे गांव के जो मेरे ज्ञाति हैं, जो लोग हैं मेरे, वो मुझे पिंडपात दे देंगे, तो वो जा करके लेकर आ जाते थे और उतने में खुश रहते थे। वो कभी भी बड़े जो राजा पसंदी ने लोगों को बिल्कुल को दान दिया या अनाथ पिंडक बड़े बड़े फंक्शन किया करते थे, वहाँ पे बहुत त्योहार हुआ करता था जब वो पिंडदान देते थे, तब भी वो नहीं जाया करते थे। उनका नाम था निगमत वत्सित तिसतेर, और जब बाकी के भिक्खु इस चीज़ को देखे तब वो बुद्ध के पास गए और उन्होंने कहा कि ये थेरा सिर्फ अपने गांव में ही जा रहे हैं, अपने ही लोगों के पास जा रहे हैं, और वो बड़े बड़े जैसे राजा का होता है सब भिक्खु के लिए दान या अनाथ पिंडक का होता है, तभी वो आते नहीं हैं। तब बुद्ध ने तिस्सा को बुलाया वहाँ पर और उनसे पूछा, तब तिस्सा ने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे गांव में मैं जाता हूँ वहाँ सिर्फ दान लेने के लिए जाता हूँ, जो खाना के लिए जाता हूँ सवेरे पिंडपात के लिए, और फिर जो देते हैं अन्न उसमें ही मैं खुश रहता हूँ और मैं अपना ध्यान करते रहता हूँ। जब बुद्ध ने ये सुना तब उन्होंने सारे भिक्खुओं को उद्देशित करके कहा कि सारे बुद्ध और सारे आर्य सारे लोग बहुत ज़्यादा कम चीज़ों में खुश रहते हैं, हमको बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, हमको जो मिला उसी में खुशी मानना चाहिए। और उन्होंने उनके पहले जन्म में जब वो थे एक पक्षी थे, तोता थे, तोता के राजा थे, उसकी कहानी सुनाई सारे भिक्षुओं को। एक ऐसे हुआ कि गंगा नदी पे काफ़ी तोता वहाँ पे कुछ अच्छे जाड़ों पे जाकर फल खा रहे थे, और फल जब ख़त्म हो गया उन सब झाड़ों में तो बाकी के सारे तोता अपने अपने दूसरे दूसरे जगह पे चले गए, बट ये जो राजा था, जो तोता के जो राजा था, वो वहीं रुके और कभी उन्होंने पत्ता खाया, कभी झाड़ का कोई एक भाग खा लिया और तृप्त रहते हुए वहीं रहे। सबका जो राजा थे देवलोक के, वो आए और उन्होंने देखा कि ये दृश्य, तो उन्होंने पूरा झाड़ को एकदम बिना हरे और पूरा ऐसे उनको परीक्षा ले रहे थे इसीलिए कुछ भी नहीं रखा झाड़ पे। तो वो तोता के राजा के पास जाकर पूछे कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो, बाकी के सब तो चले गए, सारे पक्षी उड़ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो झाड़ है इसने जब फूला फला था तब उन्होंने हमको इतना सारा खाना दिया, तो मुझे मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं यहीं रुका हूँ और मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, तो मैं कभी पत्ते खा लेता हूँ, कभी झाड़ का थोड़ा सा टुकड़ा खा लेता हूँ और मेरा पेट भर लेता हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं दूसरे जगह पे जाऊँ। और वो जन्म में वो जो राजा थे तोता के राजा, वो बुद्ध के ही पहले जन्म का था। जब ये कहानी सुनी सारे भिक्षुओं ने तब हमारे जो तिस्सा थेर थे जो बहुत अच्छे और कम जरूरत के थे वो अर्हत हो गए, और बुद्ध ने ये वाक्या कही पाली में, अप्पमादो रतो भिक्कू पमादे भयदस्सि वा अबब्बो परिहानाय निब्बानाय सेव संतिके। जो भिक्कू सती में यानी सती को जागृत करता है, जो हमेशा अपने आप को अपने आप के को अंदर से देखता है, तो कभी भी वो देखता है कि हमने कुछ भी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो उसमें बहुत खतरा है, और जब वो समझता है इस चीज़ को तब वो बहुत ज़्यादा निर्वाण के पास में रहता है।
जब हम ये कहानी सुनते हैं और हम वाक्य सुनते हैं, तब हमें समझ में आता कि हमको हमारी ज़रूरतों को कम कर लिया तो हम बहुत पास रहते हैं अपने दिल से, और बहुत ज़्यादा तृष्णा नहीं करते हैं। तो आप सब लोगों का मंगल हो, सबका कल्याण हो।